मथुरा के गौ ग्राम परखम के दीनदयाल उपाध्याय गौ विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र में 25 और 26 अक्टूबर को संघ की वार्षिक बैठक आयोजित होने जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। इस बैठक की जानकारी देते हुए संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि ये बैठक हर साल इन्हीं दिनों में दीपावली के पहले संपन्न होती है। ये बैठक कई मायनों में जरूरी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत मथुरा में इस बैठक के लिए 10 दिन के प्रवास पर हैं। मंगलवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच अहम बैठक हुई थी। अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की ये बैठक 25 और 26 अक्टूबर को होने वाली है। ये बैठक की संघ की दृष्टि से महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें संघ के सभी प्रांत के प्रांत माननीय प्रांत संघचालक, सह संघचालक, प्रांत कार्यवाह सह कार्यवाह, प्रांत प्रचारक सह प्रांत प्रचारक, ये मुख्य रूप से इसमें प्रांत की जो ये प्रमुख पदाधिकारी है ये सारे यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और ये सब मिलकर पिछले दिनों हुए अपने प्रांत के कार्य के बारे में जानकारी भी देते हैं, उसके विभिन्न विषयों पर चर्चा भी करते हैं और आगामी योजनाओं के बारे में भी निश्चित ही करते हैं, एक दिशा दर्शक निर्णय भी यहाँ पर लेते हैं। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में निर्धारित वार्षिक योजना की समीक्षा और संघ कार्यों के विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी। बैठक में विशेषकर संघ शताब्दी निमित्त सुनिश्चित संगठनात्मक लक्ष्यों को विजयदशमी 2025 तक पूर्ण करने के संबंध में विचार विमर्श होगा। अगली विजयदशमी पर संघ स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। संघ के शताब्दी वर्ष में कार्य विस्तार की योजना सहित अभी तक किए गए कार्यों की समीक्षा भी बैठक में होगी। बैठक में अपने अपने प्रांतों में किए गए कार्यों के बारे में स्वयं सेवक चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण विषय जिसके बारे में पूजनीय सरसंघचालक जी ने विजयादशमी विस्तार से उल्लेख किया था वो संघ की शताब्दी के बारे में। संघ शताब्दी के संदर्भ में कार्य विस्तार का लगातार प्रयास चल रहा है और हर हमारी बैठक में इसकी समीक्षा हो रही है और उसको और कैसे आगे बढ़ सकते इस पर प्रयास चल रहा है। तो इस बैठक में भी कार्य विस्तार के बारे में समीक्षा की जाएगी कि हम लोग अभी कहाँ तक बढ़े हैं और उसके बारे में और अगले विजयादशमी तक लगभग वर्ष का समय होगा उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए प्रांतों ने अगले मार्च तक और मार्च से विजयादशमी तक ऐसी योजनाएँ की है। तो उस संदर्भ में विस्तार से शाखा साप्ताहिक मिलन वगैरह और हमारे अन्य प्रकार से जो कार्य और उसके प्रवास जो होते हैं उसकी चर्चा होगी। इंटरनेट पर समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के बारे में इस बैठक में चर्चा की जाएगी। समाज में शांति का भाव, परस्पर सौहार्द और संघ कार्य की आने वाले दिनों में होने वाली बैठकों आदि विषयों पर चर्चा होगी। बैठक में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल में संघ के सभी 46 प्रांतों के प्रांत एवं सह प्रांत संघ चालक, कार्यवाहक तथा प्रचारक हिस्सा लेंगे। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हंस बोले तथा सह सर कार्यवाहक कृष्ण गोपाल, सीए मुकुंदा, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर, आलोक कुमार, अतुल लिमे और अखिल भारतीय कार्य विभाग प्रमुख एवं कार्यकारिणी के सदस्यों सहित 393 कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।